प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में बसी, जब से दिल का संदेश वैंजलिस ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला सब श्रोतागण को जल दाने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। पिछले 4 सप्ताहों से उद्धार संबंधित विषयों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। बाइबल का एक महत्वपूर्ण विषय है उद्धार, जो अंग्रेजी में सैल्वेशन कहते हैं। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय इसका 3 और 5 पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। 5वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य के साथ जो बातचीत हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, प्रभु यीशु मसीह इसराइल देश में यहूदी धर्म के धर्म में जन्म लिया है। उनका माँ बाप यहूदी था, इसलिए वो भी यहूदी धर्म में ही जन्म लिया था। यहूदी धर्म में एक झुंड का नाम है फरीसी लोग, जिन लोग परमेश्वर के प्रति बहुत जलन रखने वाला था, परमेश्वर का वचन में काफी जानकारी होता था और परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो फरीसियों का एक मुख्य व्यक्ति है, जो यहूदी लोगों को शिक्षा देता था, क्योंकि यहूदियों का सरदार करके यहां बताया गया है। उन्होंने रात में प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। क्यों रात में आया मुझे मालूम नहीं, शायद दिन में आने से और लोगों को पता चलेगा, इसलिए उन्होंने रात में यीशु से मिलने के लिए आया। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखने वाला था, यीशु मसीह को तारीफ भी कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह को लोगों को तारीफ का जरूरत नहीं। उन्होंने सीधे उनसे बात किया, बताया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हम परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर ने लोगों के लिए तैयार किया हुआ यह है, जो हमेशा हम परमेश्वर के साथ रहने का जगह। इस शरीर मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिल जाएगा, इस शरीर से इस धरती में रहने का जगह है। लेकिन जिस व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वो मरने के बाद परमेश्वर के साथ में परमेश्वर का राज्य में रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? यहां पर बताता है,
नए सिरे से जन्म होना। पहला जन्म हम मनुष्य का शरीर धारण करके धरती में आया। ये जिंदगी का जो आयु है 70 या 80 साल नियुक्त किया गया और एक दिन ही संसार छोड़कर जाना। लेकिन जो हमारे अंदर में जो आत्मा जो कभी मरता नहीं है वो आत्मा कहाँ जाएगा? बाइबल कहता मरने के बाद परमेश्वर ही चाहता वो परमेश्वर के पास में जाए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस करके जो सरदार था जो फरीसियों का, उनसे कहते हैं जब तक नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यदि आप पहली बार ये शब्द को सुन रहा है तो मैं नम्रता के साथ आपके साथ आपसे कहना चाहता है मरने के बाद एक जिंदगी है, वो जिंदगी परमेश्वर के साथ बिताना है तो परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको नए सिरे से जन्म होना है। बाइबल कहता है नए सिरे से जब तक कोई व्यक्ति ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में जाने का बात छोड़िए, परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है। बाइबल ये बात भी बताता है जो व्यक्ति परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, जो नए सिरे से ना जन्मा है वो अनंत काल का नरक में आग का झील में डाल दिया जाएगा। ये विषय थोड़ा लंबा विषय है, मैं अगला क्लास में उसका बाकी बात बताएंगे। इतना तो बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। मनुष्य जन्म से पापी है और पापी होने से मनुष्य नरक में जाएगा, अपना कोई भी कर्मों के द्वारा उद्धार पा नहीं सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती में आया, सारा मानव जाति के लिए अपना जान दे दिया, उन पर विश्वास करने से, उनको उद्धार करता और मुक्तिदाता जैसे स्वीकार करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसका दूसरा शब्द है नए सिरे से जन्म होना। मुझे सुनने वाला सभी लोग इस यीशु मसीह को आज स्वीकार करके अपना जीवन धन्य करें, यही प्रार्थना के साथ मेरा आज का संदेश समाप्त कर रहा हूं। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमेन।